चलिए, आज भारत विभाजन तक की बात हम लोगों ने कल की थी, है ना। एक आदमी था जिसका नाम था माउंटबेटन। ये फ़रवरी मार्च में इंडिया आया और ये भारत का क्या बन के आया था, वायसराय। वायसराय जब ये भारत आया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद एक चीज़ क्लियर थी कि दुनिया के दो बड़े ग्रुप्स, जिनमें पहले को आप कहते थे ए बी सी आर एफ, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, फ्रांस, और दूसरे ग्रुप का नाम था जे जी आई, जापान, जर्मनी, इटली, ये दोनों सबसे बड़ी ताकत थे दुनिया की। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनके समेत और बहुत सारे देश इनमें शामिल हुए, 62 कंट्रीज। कहते हैं पहला वर्ल्ड वॉर लड़े थे 37 देश और सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़े थे 62 देश। इन 62 में से 8 के नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लीडर्स थे। इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच की लड़ाई थी। हम तो बिना बात ही ब्रिटेन ने अपने साथ जोड़ रखे थे, जिसके कारण मैंने आपको कल बताया इस्तीफा भी दिया, मुक्ति दिवस मनाया। हम और बहुत सारे देश तो बिना इच्छा के ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे, और लड़के आ रहे थे, हमारे लोग जाके मर रहे थे क्योंकि सेना हमारी थी। बाकी ये मेजर लड़ने वाले ए बी सी आर एफ और जे जी आई थे। जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 1939 को, तो इसका पहला अटैक जे जी आई के ग्रुप ने किया था और ये इनके ग्रुप पे किया था, ए बी सी आर एफ। लेकिन इन पांचों में से किसी पे अटैक नहीं हुआ था। ये अटैक किया था जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर, और पोलैंड बहुत अच्छा दोस्त था फ्रांस का भी और ब्रिटेन का भी, तो फ्रांस और ब्रिटेन ने इसको अपने ऊपर अटैक माना था, जबकि अटैक हुआ किसके ऊपर था, पोलैंड। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत का तात्कालिक कारण है। पेपर में आएंगे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन तात्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर अटैक करना, जो कि खासा दोस्त था ब्रिटेन और फ्रांस का। ये 1939 के बाद जर्मनी हावी होता गया। जर्मनी की ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी इन सब ने मिलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। 1919 में एक संधि हुई थी जिसे हिस्ट्री में नाम दिया जाता है वर्साय की संधि, ट्रेटी ऑफ वर्सायल्स इसको इंग्लिश में बोल देते हैं। इस संधि में ना इसकी जर्मनी की सारी प्रॉपर्टी को एंट लिया था इन पांचों ने, इसका सारा हिस्सा छीन के खा गए ये पांचों। तो यहां से एक बहुत यंग नौजवान लड़का, जिसको आगे जाके हम हिटलर के नाम से जानते हैं, इसको जब पता चला कि इसके देश के साथ इल ट्रीटमेंट किया, बेइज्जती की, ह्यूमिलिएट किया, तो इसने कहा भाई जितना बेइज्जती होनी थी हो गई, अब हद से हद क्या होगा, मार देंगे, बेशक मार दें, हम कोशिश करेंगे। और यहां से जर्मनी का एक बहुत नॉर्मल सा लड़का, हिटलर नाम का एक सैनिक था, महज एक सैनिक, और इतनी गरीबी में पैदा हुआ कि उसको लगा पेट भरने के लिए मुझे सेना ज्वाइन करनी पड़ेगी, और अपना पेट भरने के लिए उसने सैनिक के रूप में कमाना शुरू किया। वहां से फिर उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने का मौका मिला, जिसमें उसका देश हारा और बेइज्जती की गई। यहां से फिर ये उठ खड़ा हुआ कि मुझे इस बेइज्जती का बदला लेना है, और इसने राष्ट्रीयता की भावना को, अपने देश की नेशनैलिटी की भावना को जब लोगों के सामने पेश किया, तो लोगों को लगा इसको अपने देश से बहुत प्यार है, ये राष्ट्र प्रेम से प्रेरित है, इसलिए ये कह रहा है कि दुनिया के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और इसके सारे देश के लोग इसकी बातें मानते गए। इसका ग्रुप पहले छोटा सा 10-12 लड़कों का ग्रुप था, बड़ा होते 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 दुनिया में एक एग्जाम्पल बन गया, और आप सबने 9वीं 10वीं क्लास में नाजीवाद का नाम सुना था, तो नाजी ग्रुप इसी का तो था। इटली का फासीवाद था और जर्मनी का नाजीवाद, नाजिज्म और फासिज्म दो विचारधाराएं हैं। यहां से नाजीवाद बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और सोचो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेइज्जती 1919 में हुई, तब तक कोई जानता ही नहीं हिटलर नाम की कोई हस्ती भी है, और महज कुछ दिनों के अंदर अंदर 1933 में हिटलर अपने देश का चांसलर बन गया। चांसलर जानते हो ना, इनका प्रधानमंत्री मान लीजिए चांसलर, जैसे आपके यहाँ पीएम पावरफुल है, ऐसे जर्मनी में कौन है, चांसलर। ये अपने देश का चांसलर बना, और चांसलर बनते ही इसने कहा मैं राष्ट्रपति को नहीं मानता, और इस पोस्ट को इसने कहा बकवास है और मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। पैंतीस का अंत कब और कैसे हुआ, जब संविधान लागू, ये संविधान के चैप्टर में कराया था, संविधान लागू हुआ तो ये खत्म हो गया। ताज के राज का अंत कैसे हुआ, ये शासन कैसे अंत हुआ, कॉमन सेंस यूज करो, ब्रिटिश शासन कैसे अंत हुआ, वो आपको क्या करके चले गए, सत्ता का हस्तांतरण कर गए, ये तो रोज पढ़ा रही हूँ वही बातें हैं। साइमन कमीशन 27 में आया, उसका अंत कैसे हुआ, कल नहीं बताया था 27 में आया तो क्या हुआ, 28 में हमने इसका विरोध किया, 27 में इसकी सिर्फ गठन की बात हुई थी, फरवरी में आया, फिर ये घूमता रहा, फिर हम सब ने इसका विरोध किया, जिस कारण फिर इन्होंने कहा कि हमें चैलेंज किया कि अपनी रिपोर्ट बना लो। और क्या था, इसको ऑन कर दे, लास्ट क्वेश्चन। चलो, जो लोग समझेंगे ना ये सारी बातें जो पूछी जा रही है तुम्हारे दिमाग में है ना, ये मुझे पता है कि तुम्हारा दिमाग कितने हद तक क्या सोच सकता है, मैं सारी कहानियां इसमें इन्वॉल्व कर लेती हूँ, बस समझ के चलने की कोशिश करो। अब ध्यान से देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में द्वैध शासन पिट सिटी एक्ट से शुरू हुआ, खत्म हुआ 35 में, फिर शुरू हुआ। ये देखो, द्वैध शासन के दो चीजें बताई थी, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो ये आपकी गड़बड़ है, अब थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पहले इसको कंप्लीट करती हूँ टॉपिक को। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस देश की बेइज्जती की गई थी, जर्मनी, जिसके चक्कर में जर्मनी में एक नया लड़का जो है वो राष्ट्रवाद से प्रेरित हुआ, हिटलर, और हिटलर ने धीरे धीरे करके अपना एक बड़ा संगठन बना लिया, एक विचारधारा आगे बढ़ाई, नाजीवाद। इस नाजीवाद के बाद वो अपने देश का क्या बन के बैठ गया,
और अगले साल उसने कहा मैं किसकी बात नहीं मानता, राष्ट्रपति। और इसने 1935 में आते आते कह दिया मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, चाहे वो दुनिया में कितने बड़े धुरंधर हों, होंगे अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, फ्रांस, लेकिन मैं नहीं सुनता किसी की। और इस तरह से इसने अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल अलग कर लिया और दुनिया भर के देशों से हथियार खरीदने शुरू कर दिए। और इस पर जो जो बंदिशें लगाई थी ना 1919 में, इसने सबको तोड़ दिया। और फाइनली जाके 4 साल में इसने खूब पैसा, खूब हथियार इकट्ठे करके और फिर टारगेट बना के किस पे अटैक कर दिया, पोलैंड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टिंग में जर्मनी जीतता नजर आया, JGI, ऐसा लगा ये हावी हो रहे हैं ABCRF पर, वो सब ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, वो बस ये सोच रहे चलो भाई ठीक है जितनी निभा जाए उतनी निभा दें। लेकिन जर्मनी एक बहुत बड़ी गलती करेगा 1942 में, और ये गलती क्या होगी, दुनिया के सबसे बड़े देश पर जिसको आप उस टाइम USSR कहते थे, जर्मनी इससे लगता ही तो था, जर्मनी था यहाँ पे, ऑस्ट्रिया हंगरी, फिर इसके थोड़ा आगे जाके फ्रांस था, फिर ऊपर UK था। तो जर्मनी की सबसे बड़ी गलती कहते हैं इसने USSR पे अटैक कर दिया। ये सर्दियों का मौसम था और इस मौसम में, सर्दियों में USSR बहुत ठंड वाला इलाका है, और जब इसकी सेना यहाँ आई तो बहुत सारी सेना ठंड से और बहुत सारी इनके कारण से मारी गई। और जर्मनी की ये सबसे बड़ी गलतियों में शामिल की गई ये बात कि इसने किस पे अटैक कर दिया, पहले ताकत इकट्ठी करनी थी। और रशिया कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, रशिया दुनिया में नंबर वन था जिस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अमेरिका सेकेंड था, रशिया नंबर वन। और यहां से फिर इसका बुरा टाइम स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे धीरे, एकदम से तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगले 3 सालों के बाद ये क्लियर हो गया था 44 में ही कि अब जर्मनी पकड़ा जाएगा और जर्मनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब इतनी बुरी हालत नजर आने लगी तो हिटलर ने एक दिन अपने 3-4 खास आदमियों को बुलाया अंडरग्राउंड, इसका एक पूरा बहुत बड़ा सा इसने कमरा वमरा बना रखा था, वहां रात भर बैठक चली। और उसके बाद रात में कहते हैं 2 बजे के आसपास वो सारे आदमी बाहर निकले, और आधे घंटे बाद वहां से आवाज आई, तो उसके जो बाहर बॉडीगार्ड थे इन्होंने जब जाके देखा तो वहां उसने अपने आप को और अपनी वाइफ को शूट कर लिया था। तो एक तरह से सुसाइड कर लिया दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर आदमी ने, जर्मनी को जो चला रहा था हिटलर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति का ये पहला स्टेप था, किसने जब आत्महत्या कर ली, बस तीनों JGI, सोचो JGI में से एक तो चला गया, JGI में से जर्मनी गया। अब इटली की बात और कर लेते हैं, इटली का हेड था मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी, ये अच्छा दोस्त था इस हिटलर का। जैसे हिटलर ने नाजीवाद को बढ़ावा दिया, इसने सेम विचारधारा को फासीवाद के नाम से आगे बढ़ाया, कट्टर राष्ट्रीयता, सिर्फ हम ही हम रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। मुसोलिनी का अंत नजदीक आ गया क्योंकि इसने सुसाइड कर लिया हिटलर ने, तो इसके देश के जो बड़े बड़े आदमी थे ना इटली के, उन्होंने कहा अब ये तो मारा गया, अब तू फंसेगा और तेरा ये गुस्सा दुनिया हमारे ऊपर निकालेगी और इटली की दुर्दशा कर देंगे, जैसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की। मुसोलिनी की बहस हो गई, इसके दोस्तों ने इसको जिंदा जला दिया, वहीं राजमहल में बहस होते होते इतनी बढ़ गई कि ये और इसकी पत्नी दोनों को जिंदा जला दिया। इस तरह से इटली ने भी दिया मैं भी युद्ध नहीं लड़ना चाहता क्योंकि मुसोलिनी सारे फसाद की जड़ था और ये मर गया। तो दो देश बाहर निकले, अकेला कौन रह गया, जापान। जापान ने थोड़ी गड़बड़ कर रखी थी, इसको ध्यान से समझ लेना। 1941 में जापान ने एक इलाका था पर्ल हार्बर, यहाँ ना ये एक तरह का आइलैंड मान लो, यहाँ से शिप्स निकलते थे, पानी का चारों तरफ हिस्सा था, शिप्स गुजरते थे, और यहाँ से शिप्स गुजरते जब थे तो ऐसे एक गुजरते शिप के ऊपर अमेरिका का और ब्रिटेन के बहुत सारे नागरिक इसमें थे, अमेरिका और ब्रिटेन के यानी AB के, इसमें बहुत सारे सैनिक और नागरिक थे। जापान के सैनिक यहाँ पहले से आके बैठ गए और जैसे ही शिप आया ना उन्होंने एकदम से धावा बोल दिया शिप के ऊपर, अनएक्सपेक्टेड था, वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे और वो सारे मारे गए। मारने के बाद उन सबकी लाश को इस शिप में रख के और उस कैप्टन को कहा जाके बता देना कि ये हमने किया है, जापान ने। और वो सारी लाश देख के अमेरिका गुस्से में आया, और अमेरिका जो अब तक लड़ नहीं रहा था, 1939 से अमेरिका दूर खड़ा था, लेकिन 41 में अमेरिका ने कहा अब मैं भी युद्ध में शामिल हूं, और ये मैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से था उस टाइम, क्योंकि दो ही ताकतवर देश थे, या तो रशिया या तो अमेरिका। रशिया ने जर्मनी को की अकल ठिकाने लगा दी और अब अमेरिका कह रहा है मैं स्पष्ट रूप से अब युद्ध में शामिल हूं, और अब सच में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। इसलिए बहुत सारे हिस्ट्री लिखने वाले लोग कहते हैं कि 39 से 41 तक का युद्ध तो झूठा युद्ध था, और इसको हिस्ट्री में कहा जाता है छद्म युद्ध, छद्म होता है भेष बदलने वाला या झूठा, इसी को कहते हैं डिसगाइज्ड वॉर, पेपर में आ जाएगा डिसगाइज्ड वॉर, यानी दिखावटी युद्ध या छिपा हुआ युद्ध। कब से कब तक चला ये, 39 से 41, असली युद्ध स्टार्ट हुआ था 41 से 45, और इन 4 सालों के युद्ध में इतना नुकसान हुआ दुनिया का कि अब तक हम थर्ड वर्ल्ड वॉर सोच नहीं पाते, क्योंकि उसने हमारे दिमाग में एक इमेज बना दी कि कैसा होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। इस सेकंड वर्ल्ड वॉर की असली जो तस्वीर थी वो किसके आने के बाद सामने आई, और अमेरिका के मन में एक बात बैठ गई थी कि अगर जापान की इतनी हिम्मत आज हुई है तो कल किसी और की भी होगी, और वर्ल्ड को एक तस्वीर दिखा देनी चाहिए कि अगर मेरे ऊपर किसी ने कोशिश भी की आने की, अमेरिका सोच रहा है, तो मैं उसका क्या हश्र करूंगा। जब सब कुछ ठीक ठाक होने की कगार पे आ गया, सब मर गए और ये सब चीजें चल रही थी, जर्मनी ने और इसने इटली ने जब आत्मसमर्पण कर दिया तो अकेला कौन पड़ गया, जापान। जापान का राजा था तोजो,
तोजो, तोजो से हेल्प ली थी हमारे सुभाष चंद्र बोस ने भी, लेकिन मिल नहीं पाई थी। तो जो तोजो यहाँ का राजा था ना जापान का, अब ये फंसेगा, पूरा जापान पे गुस्सा निकलना है। और अमेरिका ने अब कहा कोई युद्ध नहीं होगा, युद्ध बंद कर दिया गया, क्योंकि जर्मनी और इटली ने तो भाई आत्मसमर्पण कर दिया। अकेला एक देश कितने दिन लड़ेगा? और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो पूरे वर्ल्ड में सारे देश हट गए, हमें नहीं लड़ना। ये सब घटनाएं जो बता रही हूँ ना, ये 25 जून से पहले की हैं, क्योंकि 25 जून 1945 को ये सारे देश सैन फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को में इकट्ठे हुए हैं। और ये पड़ता है आपके अमेरिका में। यहाँ 51 देश इकट्ठे हुए और इन्होंने कागज पर साइन किए, जिसे कहते हैं यूएनओ का चार्टर। इस 51वां देश, पहले 50 आए थे, हम भी इसमें शामिल थे, 51वां था पोलैंड, जिसके ऊपर जर्मनी ने अटैक करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कराया था। ये सोचो 62 में से 51 देश कह रहे हैं भैया हम भविष्य में कभी नहीं लड़ेंगे, क्या बनाएंगे हम? यूएनओ। तो इसमें बहुत सारे जापान के भी दोस्त हैं, जर्मनी के भी दोस्त हैं और इटली के भी दोस्त हैं। कहने को तो ये जून में इकट्ठे हो गए, लेकिन आप खुद सोचो, आप बचपन से पढ़ते आए हो, जापान के 2 शहरों पे अटैक किया गया, 6 अगस्त और 9 अगस्त। अगर जब सब कह ही रहे थे कि हम कभी नहीं लड़ेंगे, तो ये अटैक किस लिए था? ये तो दिखती बात है कि सब मान गए गलती कर दी, चाहे मेरे कारण चाहे तुम्हारे कारण, जिसने भी गलती की गलती हुई, और भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। जून में आप सब कह रहे हैं कि हम कभी नहीं लड़ेंगे, और अमेरिका के मन में वो गुस्सा आज भी है 1941 की पर्ल हार्बर की घटना का। और ये दुनिया को एक लेसन सिखाना चाहता है, देना चाहता है कि भैया मेरे ऊपर अगर तुमने गलती से भी अटैक किया, तो भविष्य में इसका भुगतान तुम्हें हर हाल में भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए अमेरिका ने इस साइन और इस सारे, सैन फ्रांसिस्को किसका शहर है सोचो, पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे होकर अमेरिका के शहर में कह रहे हैं कभी नहीं लड़ेंगे, और अमेरिका इसके 2 महीने बाद जापान के ऊपर अटैक करेगा और कहेगा युद्ध का अंत मैं करूंगा। युद्ध का अंत साइन करने से नहीं हुआ। तो 1945 में 6 अगस्त को जापान और 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर, पहले हिरोशिमा और फिर नागासाकी, आप सबको पता है, दो, एक लिटिल बॉय और एक फैट मैन करके 2 एटम बम थे, ये सब गिराए गए। और कुछ ही मिनटों में सारे शहर में बुरा हाल मच गया, क्योंकि एटम बम में तो ये सोचो बॉडी पर रिएक्शन क्या होगा, अल्फा बीटा गामा है, किसी के लंग्स अंदर से गल जाएंगे, किसी को इंटरनल जो है दिमाग में ब्लड स्टार्ट हो गया चलना, किसी को वॉमिटिंग स्टार्ट हुई, तो खून की उल्टियां, अब इतने अस्पताल भर गए कि कंट्रोल में नहीं आनी थी बात। और इस तरह करके कुछ ही दिनों में इसकी अकल में आ गया जापान की में कि अब मैं टारगेट हूं और अमेरिका मेरे कई शहरों को खत्म कर देगा। इसीलिए जापान ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर कह दिया, 14 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 6 और 9 अगस्त को बम गिरे थे ना, 14 अगस्त को जापान ने हाथ खड़े कर दिया कि मुझसे गलती हुई और जैसा कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं, आगे इस युद्ध को मैं नहीं चाहता बढ़ाना। 2 शहर बर्बाद होने के बाद जापान ने यह गलती मानी, और फिर इसके बाद आज तक भगवान की दया से थर्ड वर्ल्ड वॉर हम सोच नहीं पाए। और अच्छी बात है, अगर कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो अब जापान जैसा तो पूरा देश किसी को ही बना सकते हैं, क्योंकि आज आपके पूरे वर्ल्ड में लगभग 200 देशों के पास एटमिक हथियार हैं। जब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड था ना, तो बस अमेरिका था जिसके पास इतने ताकतवर हथियार थे, या रशिया था या ब्रिटेन था, हम जैसे देशों के पास कुछ भी नहीं था तब, कोई बम बम नहीं था। तो सोचो आज तो हम भी कहते हैं हमने परमाणु परीक्षण करके एटम बम हमारे पास भी हैं। तो हम जो शांति प्रिय देश हैं, अगर हम भी एटम बम रख के बैठे हैं, तो आप सोचो नॉर्थ कोरिया जैसे देशों का क्या होगा, जिनका हर साल का काम क्या है, 5-7 ऐसे परीक्षण करना कि जो दुनिया को 1 सेकंड में खत्म कर दें। और अमेरिका से तो खासी पंगेबाजी रखता है नॉर्थ कोरिया, जब भी अमेरिका की स्वतंत्रता का टाइम आता है ना, तो 100% ये परीक्षण करेगा। और ये परीक्षण हमेशा इतने भयानक करता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक्सपेरिमेंट करता है ये, यानी जहां ये बैठा है कोरिया, ये जिस कॉन्टिनेंट में है, अब आपके यहाँ 7 ही तो कॉन्टिनेंट है मेन, तो ये आपको ये दिखाना चाहता है कि भैया मैं कॉन्टिनेंट को भी खत्म कर सकता हूँ, ऐसी मिसाइल रखता हूँ मैं चारों तरफ। तो अब थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी ऐसे कोई करेगा नहीं, और अब जब आगे वॉर होंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि वो हमेशा बायो वॉर होंगे, बायो वॉर जिसमें कि बीमारियां छोड़ी जाएंगी देशों में, जैसा कि अब एग्जाम्पल कुछ लोग मान रहे हैं कि शायद ये पेंडेमिक भी उसी का एक एग्जाम्पल था। और ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि अब बम अगर गिराएंगे खुलेआम, तो बम तो सबके पास है भाई, नॉर्थ कोरिया जाके किसी को भी खत्म कर सकता है, उसके पास इतनी ताकत है, और उसको वहां नहीं जाना, वो यहीं से अपनी मिसाइल को वहां तक पहुंचा देगा, उसके पास इतनी ताकत है। तो इसीलिए अब थर्ड वर्ल्ड वॉर ऐसा नहीं होगा जैसे सेकंड और फर्स्ट हुए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर ने सबको कमजोर कर दिया, और हम अपने देश से जोड़ के पढ़े तो कौन कमजोर हो गया? ब्रिटेन। इसीलिए ब्रिटेन ने घोषणा की 1945 में कि हम भारत को आजाद कर देंगे जून 1948 में। 1946 में इन्होंने ये बात कही थी, 45 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और आपके देखते देखते सत्ता आपके हाथों में आ गई 1947 में। ये आजादी मिली थी या सत्ता का हस्तांतरण था ये? हाँ, हस्तांतरण का मतलब इन्होंने अपनी सत्ता अपने हाथ से उठा के और आपको दे दी। आपने कोई अब इस टाइम पे कोई ऐसी क्रांति या युद्ध नहीं किया। हाँ, हमारी फौज जरूर कोशिश कर रही थी, लेकिन असलियत यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कमजोरी के कारण
ब्रिटिशर्स ने आपको आजाद किया। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होता ना तो कोई बड़ी बात नहीं, अगले 50 साल तक भी देश आजाद ना हो पाता, क्योंकि कौन था आपके देश में आजादी कराने वाला? आपके देश में ना भगत सिंह जिंदा बैठे थे, ना सुभाष चंद्र बोस, ये तो सब जा चुके थे। और गांधी जी मान लिया बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन गांधी जी उतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं चलाया। गांधी जी बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन 1920 का आंदोलन अगर तुम बड़े हो गए और तुम्हें समझ में आता हो तो यह असफल था। 1930 का आंदोलन असफल था, 1942 का आंदोलन भी असफल था। बहुत अच्छे लीडर थे, बड़े लीडर थे, मास लीडर थे, लेकिन ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिसको आप कहें कि इसके कारण हम आजाद हो गए। हमने कोशिशें बहुत की, बहुत ज्यादा, लोगों ने अपने हिसाब से जैसे मन बन पड़ा उनका, जैसे उनको लगा ठीक है देश के लिए मरने को तैयार हुए, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या था कि जब तक अंग्रेजों ने आपको सत्ता हस्तांतरित नहीं की तब तक आपके देश को आजादी नहीं मिली। और अंग्रेजों को सत्ता इसलिए देनी पड़ी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर उनके सारे पैसों को खा गया, उनकी सेनाओं को खा गया, उनकी ताकत को खा गया, तो ये कारण था। और इसकी शुरुआत की गई है जून 1946 के बाद से कि भाई इंडिया को सारा कुछ सत्ता छोड़ के चले जाओ, और उन्होंने कहा हम दो साल के अंदर जून 1948 में आपके देश को से पूरी तरह से अपना कामकाज निपटा के चले जाएंगे। इस बीच में आप आजाद हो गए हैं 15 अगस्त 1947, लेकिन अंग्रेज तो यहाँ तभी गए थे। अगले साल तक इन्होंने अपना पूरा कामकाज उठाया, कागज पत्री भाई किसको क्या चीज सौंपनी है सब करके गए थे। ऐसा नहीं कि आपने भगा दिए, पुर्तगाली आपने भगाए थे, पुर्तगालियों को आपने 1961 में सच में पुर्तगालियों से आपने अपने आप को आजाद कराया, तो मारकाट मची थी, कई हजार आदमी मारे गए थे। अंग्रेजों की आजादी असलियत में आजादी नहीं है, ये सत्ता का हस्तांतरण है, उनकी सत्ता हमारे हाथ। और याद करो भगत सिंह जैसे लड़कों ने बहुत पहले ये बात कही थी कि जो गांधी जी का रास्ता है ना इस पे मिलने वाली आजादी आजादी नहीं होगी, ये आजादी बस ऐसी आजादी होगी कि जैसा एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है ऐसा ही चलेगा, बस काली चमड़ी वाले लोग भारत पे राज करेंगे, और जैसा अंग्रेजों के टाइम में किसान दुखी हैं, जवान दुखी हैं, आम आदमी दुखी है, ऐसा ही सदा दुखी चलेंगे। और आज भगत सिंह की वो बात 100% सही नजर आती है कि जब भारत आजाद नहीं था 47 से पहले तब भी लोग दुखी थे और 47 के बाद भी लोग दुखी हैं, क्योंकि ना तो रोजगार की कोई गारंटी मिली हमें आजादी के बाद, ना काम की कोई गारंटी मिली और ना ही सोशल सिक्योरिटी मिली। ये भगत सिंह ने तब भी कहा था कि जो कांग्रेस का रास्ता है ना आजादी का, इससे वैसी आजादी नहीं आएगी कि आप सच में आजाद हो गए, इससे आपके हाथ में सत्ता आएगी, बस सत्ता को संभालने वाले पहले गोरे अंग्रेज थे, अब आपके बीच में से काले अंग्रेज बन जाएंगे यानी इंडियन बन जाएंगे, लेकिन आपका देश नहीं सुधरेगा ना बदलेगा। और आज वो बात बिल्कुल 100% सच है कि जैसे पहले अंग्रेजों से हम दुखी थे, किसान जवान सब लोग, ऐसे ही आज हम अपनी सरकारों से दुखी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कांग्रेस की बात करूं या बीजेपी की, आज से 10-15 साल पहले जब कांग्रेस थी तब भी लोग दुखी थे, आज बीजेपी है तो भी लोग दुखी हैं, क्योंकि जितने सत्ताधारी लोग आए इनको अपनी जेब भरने से ही मतलब था, है और रहेगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंडीशन कहां है, आप पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, नौकरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, एजुकेशन गिर गई, हेल्थ सिस्टम खराब है, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। तो भगत सिंह की वो बात आज बिल्कुल सच्ची है कि सत्ता का परिवर्तन हुआ है, आपको आजादी नहीं मिली। आजादी का मतलब होता है सब चीजों से, गड़बड़ियों से आजादी, जहां आपके देश का विकास हुआ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जल्दी से पढ़ लेते हैं लास्ट के पेजेस को, हम कल पहुंचे थे पेज नंबर 17 पर। इटली की घोषणा पढ़ी थी ना लास्ट शायद, ठीक है, माउंटबेटन योजना। अब आपका देश किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, कौन से शासन अधिनियम के? 1935। और 1935 का अधिनियम कब तक चलेगा? जिस दिन तक आपका संविधान लागू ना हो। आपका संविधान लागू होगा और 35 का अधिनियम हट जाएगा। चलो माउंटबेटन योजना पे आ जाओ। 47, भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, इनका कार्यकाल मार्च 1947 से जून 1948 तक, यानी आजादी के साल से जब तक इन्होंने अपने कारोबार को समेटा नहीं तब तक। 3 जून, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, 3 जून इसे कहते हैं, ये डेट थी भारत पाक विभाजन योजना, इसको कहते हैं मन बाटन योजना, मन बट गए थे ना भारत और पाकिस्तान के, टिक कर लो। 3 जून 1947 को भारत को दो भागों में, भारत और पाकिस्तान में बांटने की घोषणा की गई, जिसे माउंटबेटन योजना, यहां लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछते हैं, इसकी डेट भी याद रखनी है, मन बाटन योजना, बाल्कन प्लान या माउंटबेटन योजना या भारत पाक विभाजन योजना, 3 जून 1947। अगला पॉइंट टिक करना, हाँ देखो इसको अंडरलाइन कर लो, अगले पॉइंट में है, 3 जून योजना या मन बाटन योजना या बाल्कन प्लान की संज्ञा, बस वैसे ही कहते हैं बाल्कन से, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है अलग से, बाल्कन प्लान नाम रख दिया, बाल्कन इसलिए क्योंकि बाल्कन जो इलाका था ना मुस्लिम बाहुल्य था। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, अधिनियम के तहत वायसराय का पद समाप्त कर दोनों राष्ट्रों में गवर्नर जनरल का पद क्रिएट किया। ये गवर्नर जनरल का पद कब क्रिएट हुआ था याद करना, सबसे पहले याद है 3 गवर्नर थे, कहां कहां पे? बंबई में, बंगाल में और मद्रास में, फिर इनमें से एक क्या बना था? गवर्नर जनरल, कहां वाला बना था? फिर क्या हुआ था? फिर ये बना था भारत का गवर्नर जनरल, GGI, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहें तो कौन था पहला? वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत का कहें तो विलियम बेंटिक। फिर 1857 के बाद 58 में कहा गवर्नर जनरल बंद करो और नई पोस्ट बना लो वायसराय। कौन बना था ये? कैनिंग।
अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। फिर 1858 से 1947 तक आपके देश में वायसराय चला। अब फिर आजादी के बाद ये कहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल आपको दो जगह दिखाई दिए, एक तो 1833 के चार्टर एक्ट में और फिर एक आजादी के बाद। ये टिक कर लो। अधिनियम के तहत वायसराय का पद समाप्त, दोनों राष्ट्रों में गवर्नर जनरल, दो राष्ट्र मतलब भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट टिक करना। इस योजना के तहत द्विराष्ट्र सिद्धांत की घोषणा में उत्तर पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान प्रांत। इसके बाद नीचे अगले पॉइंट को टिक कर लो। देशी रियासतों को अपनी इच्छा के अनुसार भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की छूट। कितनी रियासतें थी हमारे यहाँ? ये अंग्रेज बड़े चालाक थे, ये ना मन में ऐसी आग लगा गए कि जिसका जो मन करे लड़ो मरो, तुम हम तो जा रहे हैं। कितनी रियासतें थी? 552। और प्रांत तो ब्रिटिश प्रांत थे ही, ऐसे कोई अलग से गिनती नहीं थी। जहां जहां इलाका था, ब्रिटिश प्रांतों को कह दिया आपको तो क्या बनना पड़ेगा? भारत। इनको कह दिया आपकी है मनमर्जी, मन करे तो किस में शामिल हो जाओ? इंडिया में। और मन करे तो पाकिस्तान, और ना मन करे तो तुम इंडिपेंडेंट बन जाओ। अब जो थोड़ा सा भी ताकतवर हो क्या सोचेगा कि मैं इंडिपेंडेंट, मैं क्यों रहूं भारत पाकिस्तान में। इंडिया में पाकिस्तान में 13 तो स्पष्ट चले गए, बच गए 552, जिनमें से तीन चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहें, और ये आपके देश के बीच में थे। कौन कौन से? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। फिर जिनको देखो मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था कैसे कैसे हम लोगों ने अपना हिस्सा बनाया। चलो पढ़ेंगे अगला पॉइंट। देशी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने की छूट। कितनी रियासतें थी? 565। लिख लो यहाँ 565, जहां लिखा देशी रियासत 565। नेक्स्ट पढ़ना। इस योजना की पुष्टि के लिए आचार्य जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी ना आपकी कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब देश आजाद हुआ। लिख लो इसके ऊपर, लिखो कांग्रेस अध्यक्ष आजादी के समय। ये पूछते हैं एग्जाम में, हाँ ये आता है, बहुत कॉमन आने वाला क्वेश्चन है। लिख लो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। लेकिन वैसे तुम पढ़ोगे ना तो 47 में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निकलेंगे, वो आजादी के बाद की बैठक के थे, सितंबर वाली के। लिख लो जेबी कृपलानी के पास आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। चलो नेक्स्ट आगे टिक करना। 14 जून 1947 अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत, जब वो कमीशन आया था ना गोरों वाला, क्या नाम था? साइमन कमीशन। लाठी चार्ज में अपंग हो गए थे गोविंद वल्लभ पंत। कौन एक्सपायर हो गए थे? लाला लाजपत राय। यहां लिख लो, लिखो साइमन कमीशन के विरोध में अपंग, दिव्यांग या अपाहिज, इनका पैर टूट गया था फिर ठीक नहीं हुआ था, तो लाइफ लॉन्ग के लिए अपंग हो गए थे गोविंद वल्लभ पंत। 1927 के साइमन कमीशन के विरोध में अपंग। आगे अंडरलाइन करो। भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनका नाम सुना है तुम लोगों ने? मौलाना अबुल कलाम आजाद का बर्थडे होता है 11 नवंबर को, शिक्षा दिवस मनाते हो, तुम्हारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। लिख लो इनके नाम के नीचे 11 नवंबर शिक्षा दिवस, एजुकेशन डे, लिटरेसी डे अलग होता है। 11 नवंबर शिक्षा दिवस, अबुल कलाम पहले एजुकेशन मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, पहले शिक्षा मंत्री। 11 नवंबर शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। जितने क्वेश्चंस बीच बीच में बताती हूँ ना सब पेपरों में आते हैं, स्टैटिक जीके में, इसलिए लिखते चलना। आगे टिक करो। सरदार पटेल, सब जानते हैं सरदार पटेल क्या थे? ये भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री। कब एक्सपायर हो गए थे ये? ये देश की आजादी के कुछ टाइम बाद ही एक्सपायर हो गए। इन्होंने सबसे बड़ा योगदान जानते हो क्या दिया? 1948 से 1950 ये सब एक बनाया, ये इस आदमी के कारण है, सरदार पटेल। नहीं तो अंग्रेज तो ना जाते जाते आग में घी डाल गए कि लड़ते रहो मरते रहो हमें क्या फर्क पड़ता है। और सरदार पटेल ना होते तो नेहरू और बाकी सब पीछे खड़े थे, क्योंकि आग में जाके कौन कूदेगा। सरदार पटेल ने कहा था भारत एक बनेगा, जिसको भारत में नहीं रहना, यहां से भाग जाना। अखंड भारत का सपना नए भारत में किसने देखा था? सरदार पटेल। और पटेल की जान को हर टाइम खतरा था, कोई भी मार दे, कोई भी सरफिरा आदमी 552 रियासतों में से गुस्सा आ जाए और पटेल को मार दे। लेकिन पटेल ने अपनी जान की परवाह नहीं की, और उस एज में, इनकी तो एज भी काफी हो गई थी, 1875 का बर्थ है, और 1950 तक काम किया, 75 साल तक। 75 साल में जाके ये एक्सपायर हुए थे, और ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि ये अंत समय तक भारत को एक बनाते रहे। यहां पटेल के पास लिख लो ये बात, सरदार पटेल लिखा है ना, इनका बर्थ ईयर लिखो 31 अक्टूबर 1875, और इनकी डेथ हुई थी 1950 में, लिख लेना ये 1950 1875 31 अक्टूबर। डेथ की डेट नहीं ध्यान, उसकी जरूरत भी नहीं है, जन्म पूछेंगे। क्या लिखा तुमने? कब से कब तक? 75 से 50 तक। सबसे बड़ा काम क्या किया? देशी रियासतों का एकीकरण, भारत एक बनाया इस आदमी ने। ये क्या थे? भारत के पहले गृह मंत्री और पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट करो, जवाहरलाल, इन सब ने समर्थन किया। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अब ये भारत की आजादी का कानून था। ये कानून कहाँ बना होगा? अंग्रेजों की संसद में। अंग्रेजों की संसद क्या थी? हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स और उनकी महारानी। पहला पॉइंट पढ़ो, माउंटबेटन योजना, डेट क्या थी माउंटबेटन की? 3 जून। बहुत बहुत काम की चीज, यहाँ लिख लो इसके ऊपर, 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के ऊपर, 3 जून 1947। आगे पढ़ो, के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक बिल पेश किया 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। कल हम पूरा डिटेल से बात करके आए थे। एटली किस पार्टी के हैं? लेबर पार्टी के। किस कमीशन के मेंबर थे? साइमन कमीशन के, और ये इंडिया के फेवर में थे, अच्छे आदमी थे ये। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। तो किसने ये अधिनियम पेश किया कि भारत को आजाद करना है? ये सिस्टमैटिक आजादी मिली है, और आजादी नहीं है, ये सत्ता का हस्तांतरण है। ये पेश किया गया 4 जुलाई को, इनकी लोकसभा में एटली ने पेश किया। नेक्स्ट करना, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। नेक्स्ट पॉइंट भी अंडरलाइन कर लो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 47 द्वारा 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन की समाप्ति कर भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट भी पढ़ लो, भारत और पाकिस्तान के लिए एक एक गवर्नर जनरल होगा जिनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाएगी। तभी तो हम लोग आजादी के बाद भी अपना देश खुद नहीं चला पाए। हमारा देश ना 1950 तक अंग्रेजों ने चलाया है, जब तक हमने क्या नहीं लागू किया अपना संविधान। जब जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन हम क्या बने थे? गणतंत्र। उससे पहले हम सारी बातें किसकी मान रहे थे? ब्रिटेन। तुम्हारे देश में इलेक्शन थोड़ी हुआ था, तुमने पीएम बिना इलेक्शन के बनाया था। 50 के बाद तुम्हारे देश में चुनाव हुए, 51 में जाके, 1951 में, और इसके बाद तुम अपने देश को कह सकते हो कि हम पूरी तरह से लोकतंत्र भी हुए और हम क्या भी बने? गणतंत्र। इससे पहले आजाद तुम 47 में बेशक थे, लेकिन तुम्हारा चुना हुआ पीएम नहीं था, और तुम्हारा सारा कामकाज 1935 के भारत सरकार अधिनियम से चला था। आजादी के बाद से और 50 तक तुम उस अधिनियम को लागू किए बैठे रहे जो अंग्रेजों ने दिया था, जिसको हमने कहा था बिना ब्रेक वाली गाड़ी, कुछ इस तरह की बात की थी ना, सड़ा गला, उसको चलाया हमने अगले कई सालों तक। 51 में जाके हमारे यहाँ चुनाव, और तब हम लोकतंत्र पूर्ण रूप से, जिसको कह सकते हैं इलेक्शन के बाद, और गणतंत्र बन गए थे 1950 में। अगला पॉइंट करना ये सम्राट द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, देशी राज्यों को, देशी राज्य कितने थे आपके यहाँ? 552। भारत और पाकिस्तान में किसी भी अधिराज्य में शामिल होने या फिर स्वतंत्र रहने की छूट दी गई, या तो भारत में चले जाओ या पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट, ये सब अंग्रेज कर गए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए 2 सीमा आयोग बने, एक पंजाब सीमा आयोग और एक बंगाल सीमा आयोग। पंजाब जो पाकिस्तान के साथ लगता है वो वाला, और बंगाल जो बांग्लादेश के साथ है। अध्यक्ष टिक कर लो, सर रेड क्लिफ, इसलिए हमारे और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, इसी के नाम पर। यहां लिख लो, रेड क्लिफ के पास भारत पाक के बीच, भारत पाक के बीच की सीमा रेखा, उसका नाम ही रेड क्लिफ रेखा है। भारत पाक के बीच की सीमा रेखा, रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगले पॉइंट की तीसरी लाइन टिक करना, संविधान सभा देश की अंतरिम संसद बनी। संविधान सभा कब चुनी गई थी? 1946 में, जुलाई में, लिख लो यहां, ये पेपर में आया था इस बार HSSC के, जुलाई 1946 में। संविधान सभा जहां लिखा ना, वहां चुनाव जुलाई 1946 में, जबकि बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 47 द्वारा भारत का सचिव और वायसराय के पद को समाप्त कर दिया। दो कौन से पद समाप्त किए? वायसराय और सचिव। वायसराय की सभी शक्तियां गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। एक पॉइंट छोड़ के अगले पॉइंट में आ जाओ, इस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जब तक दोनों अधिराज्यों का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, अंडरलाइन करो इस पॉइंट को, ये किसी ने क्वेश्चन अभी जो पूछा भी था ना, 3-4 क्वेश्चन में उनमें था ये, जब तक दोनों अधिराज्यों का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक दोनों अधिराज्यों का शासन का संचालन 35 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलेगा। तो ये 35 का भारत शासन अधिनियम कब तक चला? जब तक तुम्हारा संविधान लिखकर तैयार नहीं हुआ और तुमने लागू नहीं किया, यानी कब तक चला ये? 26 जनवरी 1950 से हमारा चालू हुआ, उससे पहले कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी ये 35 से और कब तक चला है? लगभग 50 तक। जनवरी 50 में जाके हमने अपनी किताब अपनाई। किसी ने क्वेश्चन जो पूछे थे 4, उनमें से एक क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट, एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट करना, लॉर्ड माउंटबेटन भारत अधिराज्य के पहले गवर्नर जनरल बने और जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले पीएम के रूप में शपथ दिलाई गई। क्या ये इलेक्टेड पीएम था? नहीं, बस ये ताकतवर पार्टी का हेड था इसीलिए बना दिया। यहाँ इसी के नीचे लिख लो, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, जैसे अपने हैं तो पाकिस्तान के भी तो बने होंगे ना, पाक के पहले गवर्नर जनरल बताओ कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, लिख लो, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। और लिखो, पाकिस्तान के पहले पीएम कौन थे? लियाकत अली खान, लिख लो,
पाकिस्तान के पहले पीएम, फर्स्ट पीएम ऑफ पाक, ये थे लियाकत अली, हरियाणा से थे ये, करनाल से, लियाकत अली खान, लियाकत अली भी लिख देते हैं, एल करके भी लिख देते हैं, एल ए खान क्या, हाँ जो बंटवारा नहीं हुआ था तो बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ गए थे, उनमें से ये भी थे, लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले पीएम। हमारा पीएम कौन है? नेहरू। हमारा गवर्नर जनरल कौन है? नहीं, हमारा गवर्नर माउंटबेटन है, बाद में हमने इंडियन बनाया, राजगोपालाचारी। उनका कौन है? जिन्ना। उनके दोनों आदमी अपने हैं, हमारा एक यहाँ पे आदमी जो है वो हमने माउंटबेटन को मान लिया और एक अपना खुद बना लिया। कौन बना लिया? ठीक है, अगले पेज पे आ जाओ। पहला पॉइंट टिक करना, भारत के अंतिम पहले भारतीय व्यक्ति गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस सी राजगोपालाचारी, इसके पास लिखो 1954 में भारत रत्न भी मिला था, 1954 में भारत रत्न, तीन को मिला था ना इकट्ठे, हाँ उनमें से एक ये भी थे, 1954 का पहला भारत रत्न भी मिला था। सी का मतलब क्या है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को चक्रवर्ती भी कह देते हैं, उपनाम लिख लो यहाँ, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फर्स्ट भारत रत्न प्राप्तकर्ता तीन आदमी थे, जिनमें एक ये भी थे, दो कौन थे बाकी? सी वी रमन और राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। अगला पॉइंट करो, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा एक डोमिनियन स्टेट का रहा, और तब तक आप कौन सी किताब के अकॉर्डिंग काम चलाते रहे? आप 35 के भारत सरकार अधिनियम, और जैसे ही आपका डोमिनियन का स्टेटस हटा आपने अपनी किताब लागू कर दी, कौन सी किताब? भारत का संविधान। तो भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम कब से कब तक लागू रखा आपने? 35 से लेके 50 तक, जब तक क्या नहीं लागू की आपने? अपनी किताब, कौन सी किताब? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका क्या नाम है? यही नाम है जो मैंने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसे पूछ लेते हैं हाथों को पता ही नहीं होता। अब तुम एक काम करो, पेज नंबर, मैंने एक चैप्टर तुम्हें शुरू कराया था, पेज नंबर 37 निकालना, इसमें से कुछ पेपर में क्वेश्चंस देखे जाते हैं, पुलिस में भी थे, टीचिंग में भी आते हैं, पेज 37। जो बच्चे पहले पढ़ रहे हैं, एक डेढ़ महीना पहले मैंने थोड़ा सा पार्ट्स कराए थे, उनको अगर याद हो तो, याद है तुम्हें ये? हाँ, इनमें देखना जरा कितने तक पढ़ा दिए थे मैंने, 5 तक पढ़ाए थे ना, ठीक है 5 तक पढ़ा दिए थे, बहुत अच्छी बात है। एक आर्टिकल्स भी पढ़ाए थे, इसी पे देखो जरा, पेज नंबर 40 से स्टार्ट थे, देखना जरा आर्टिकल्स, ये भी पढ़ाए थे, हाँ कितने तक पढ़ा दिए थे? 35 कंप्लीट करा दिया था इनमें से, 51 तक करा दिया था जितना मुझे याद है ना, हाँ ठीक है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा, इनमें से पेज नंबर 43 पे आओ सब लोग, 43 पे, 51 तक पढ़ा दिया था मुझे याद है, मैंने क्लास में एक चीज़ ये बताई थी। एक बार बोर्ड पे देखो ज़रा, अध्याय अगर कहें भाग और अनुच्छेद, तो तुम्हें अब सारी किताब की बहुत सारी चीज़ें आ गई, इसलिए तुम्हें आसानी से समझ में आएगा। भाग एक में कितने आर्टिकल्स हैं? भाग दो में 3 में 12 से 35, और 4 में 36 से 51, 5 में 52 से 151, 6 में 152 से 237, ठीक है। जो मेन है ना, बस वही सारे नहीं पढ़ने, अब जो मेन है, मैंने देखो 51 का तक तुम्हें एक एक समझाया होगा हर एक, और उसमें सामने कुछ ना कुछ लिखवाया होगा। पेज 43 पे आ जाओ, हेडिंग है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, मेन आर्टिकल्स आते हैं पेपर में, सारे नहीं आएंगे, पिछले सारे आएंगे, टिक करो इसमें। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति, ये तुम्हें बताए हुए हैं, 52, 63, 74, 11, 11 के अंतर में बता रखे ना, बस टिक करो। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति, बहुत आता है। 54 टिक करो निर्वाचन, कैसे चुनेंगे राष्ट्रपति को। 56 टिक करो पदावधि, कितने साल के लिए बनाएंगे। 58 टिक करो राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हताएं, मतलब योग्यताएं, क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 60 टिक करो शपथ, शपथ बस मेन वर्ड। 61 टिक करो महाभियोग। 63 टिक करो उपराष्ट्रपति, 52 से 11 आ गया ना बाद, उपराष्ट्रपति। 64 टिक करो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, पहले उपराष्ट्रपति बनता है या सभापति बनता है पहले? हाँ फिर पदेन, भाई इसलिए क्योंकि तू वहाँ इस सीट पे इसलिए यहाँ बैठेगा। 65 टिक कर लो, 65 अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाए तो ये उसके रूप में काम करेगा। इसके बाद 66 टिक कर लो निर्वाचन, 67 पदावधि, 69 टिक करना उपराष्ट्रपति की शपथ, 72 टिक कर लो क्षमा, नेक्स्ट लाइन राष्ट्रपति की शक्तियां, मर्सी पावर्स। याद है राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख देता है कोई भी कि जी मैं तो गलती से मैंने क्राइम कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए, मर्सी पावर्स। किस आर्टिकल में है ये? 72 में, माफ करने की। अगले पेज पे आओ, 74 टिक कर लो, 62 ये क्या था, 52, 63, 74 टिक करो 74। मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कितनी तरह के मंत्री होते हैं? एक पीएम, एक कैबिनेट, एक स्टेट और एक उपमंत्री। स्टेट में कौन होते हैं? एक इंडिपेंडेंट चार्ज वाले ना। कितने मैक्सिमम मंत्री तुम्हारे देश में हो सकते हैं? किसका 15%? 543 का, कितना निकलेगा? 81, इसलिए 81 से ऊपर मंत्री नहीं बनते यहाँ।
यहाँ लिख लो मंत्रिपरिषद के पास 15% ऑफ 543 इज इक्वल टू 81. वैसे ज्यादातर 60 से 80 के बीच में मंत्री रखते हैं, वैसे 81 हो सकते हैं पीएम समेत. महान्यायवादी पे आ जाओ, आर्टिकल 76 टिक कर लो, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी. 76 टिक कर लो महान्यायवादी, बस टिक करते जाओ जो बोल रही हूँ. 78 पे आ जाओ, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री की कर्तव्य, इसमें पीएम और राष्ट्रपति के रिश्तों पर आधारित तुम्हें बहुत बार बताया था, यहाँ लिख लो अपने हाथ से पीएम और राष्ट्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया POI के संबंधों पर आधारित आर्टिकल 78, पीएम और POI प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संबंधों पर आधारित आर्टिकल. 79 टिक करो संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, ये कॉमन आएंगे हर पेपर में मिलते हैं कहीं ना कहीं. 124 पे आ जाओ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, 127 पे आ जाओ तदर्थ न्यायमूर्ति, इंग्लिश में एडहॉक जजेस. तुम्हें पता है एडहॉक क्या होते हैं, कहाँ होते हैं एडहॉक, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में? हाँ, अब दोनों में, पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट में एडिशनल जज होते थे. इसके बाद आर्टिकल 143 करो, इसी पैराग्राफ में 143 नीचे, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति. याद है तुम्हें ये, कौन से मामलों में मना भी कर सकता है, छोटी मोटी चीज किस पे राय देनी पड़ेगी, देश संधि समझौते. 143 वेरी इंपॉर्टेंट. 148 टिक करो अगला, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग जिसको बोलते हैं. 153 टिक करो द गवर्नर, राज्यों के राज्यपाल. 157 टिक करो राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं. 159 टिक करो राज्यपाल द्वारा शपथ. 161 टिक करो क्षमा की राज्यपाल की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमा वाली शक्ति आर्टिकल 72 में थी, लिख लो यहाँ. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मर्सी पावर्स आर्टिकल 72 में थी, तो ऐसे गवर्नर की 161 में है. क्या गवर्नर मृत्युदंड को माफ कर देगा? नहीं, ये पावर अलग है. अगले पेज पर आ जाओ 45 पर, जिसका कोई टॉपिक छूट जाए ना वहीं छोड़ देना, अगले कर लेना, नहीं तो ये रह जाएंगे, बहुत टफ लगते हैं बाद में. 163 टिक करो मंत्रिपरिषद, 163 आर्टिकल 200 के पास लिखो, इंपॉर्टेंट, ये पेपरों में आता है ये. विधेयकों पर अनुमति या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना, तो राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल विधेयक रख लेगा, कौन सा आर्टिकल है ये, 200. 213 टिक करो अध्यादेश, राज्यपाल की शक्ति. अगली हेडिंग पे आ जाओ राज्यों के हाई कोर्ट्स, कितने हाई कोर्ट्स हैं, 25. सबसे नया आंध्र, तेलंगाना तो पुराना है, आंध्र प्रदेश का अमरावती, तेलंगाना ने तो किसका ले लिया, आंध्र प्रदेश का पुराने वाला हैदराबाद वाला, ये टिक करो. 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट, 216 टिक करो हाई कोर्ट्स का गठन, 231 टिक करो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना की संसद की शक्ति. अगला है हाँ साझा जिसको बोलते थे हम, यूनियन टेरिटरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. पहला टिक करना आर्टिकल 239, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. 239 यूटी का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन. 239 क का लिखा है, इसको टिक कर लो, दिल्ली के संबंध में. तुम्हें याद है एनसीआर एनसीटी नाम रखे थे इनके ना, 69th और 70th अमेंडमेंट. इसके बाद नीचे पहुंचो ग्राम पंचायत और नगर पालिका, इसमें टिक करना 243 ग्राम पंचायत की परिभाषा, यहां लिख लो भाग 9, पंचायत भाग 9 में है. यूटी वाले में लिख लो भाग 8, ऊपर था ना यूटी, वहां लिख लो भाग 8 और पंचायत में भाग 9, ये भाग भी पूछते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं. इसके बाद एससी एसटी पे आ जाओ, 244 भाग 10 में है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, इस पे खूब क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल. इसके बाद अगली हेडिंग पे आ जाओ संघ और राज्यों के बीच संबंध, यहां लिखो भाग 11, भाग 11. इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाओ आर्टिकल 249, बहुत बहुत कॉमन, और अभी हरियाणा पुलिस वाले में भी आया था. 249 टिक कर लो राज्य सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विषय बनाने की संसद की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख लो उच्च सदन, इसी के कारण राज्यसभा उच्च सदन है, इसी पावर के कारण. 280 टिक करना वित्त आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन, कितने मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन में, 5, 1+4 लिखो यहाँ, 1+4 फाइनेंस कमीशन में बहुत पढ़े लिखे काबिल लोग आते हैं. संपत्ति के अधिकार पे आ जाओ आर्टिकल 300A इंपॉर्टेंट है ये भी, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना. पहले 300A नहीं था, पहले ये आर्टिकल 31 था, लिख लो यहाँ, लिखो पहले ये अनुच्छेद 31 था, पहले ये अनुच्छेद आर्टिकल अनुच्छेद 31 था, कहाँ लिखा हुआ था पहले ये मौलिक अधिकारों में, अब कहाँ है ये, अब क्या है ये, कानूनी अधिकार प्रॉपर्टी के राइट. नेक्स्ट पे आ जाओ लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन, लिख लो भाग 14 में है पब्लिक सर्विस कमीशन. आर्टिकल 315 टिक करना संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग. अगली हेडिंग पे आ जाओ निर्वाचन इलेक्शन नीचे भाग 15 लिखो यहाँ इलेक्शंस में भाग 15. आर्टिकल 324 टिक कर लो, बस एक ही काम का है, 324 इलेक्शन से जुड़ा. इलेक्शन में कितने कमिश्नर्स होते हैं, 3, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं अन्य. अगला टिक करना आर्टिकल 330
लोकसभा में एससी एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण, कौन से पैक्ट के बाद से आरक्षण की कंफर्म हुआ था? पूना पैक्ट। किस किस के बीच था? गांधी और अंबेडकर। 25 सितंबर 1932। कितनी सीटें एससी की और एसटी की? 47। यहां लिख लो ये बात, लिखो 25 सितंबर 1932 पूना पैक्ट। यही तो था, केंद्रीय व्यवस्थापिका में सीटें मिलेंगी। पूना पैक्ट, पूना समझौता, कल परसों पूरा डिटेल से समझाया था, ध्यान देना इसलिए जरूरी होता है। पूना पैक्ट 25 सितंबर 1932। बताओ साइन किस किस के हैं? अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के। क्या गांधी ने साइन किए थे? नहीं। लेकिन समझौता किस किस के बीच था? गांधी और अंबेडकर के बीच। ये MMM कौन है? मदन मोहन, जिनका एक उपनाम है महामना, हिंदू जो परिषद उस टाइम थी ना, महासभा, उसके मुखिया थे ये। इसके बाद अगले पेज पर आ जाओ, 331 टिक कर लो। अब ये वेस्ट है, अब हमने हटा दिया ना ये एंग्लो इंडियन वाला। कौन से अमेंडमेंट से ये सीट खत्म कर दी? 104वां। लिखो यहां पेज 47 पे सबसे ऊपर लिखो, 104वें संविधान संशोधन से सीट समाप्त। 104वां, इस साल 105वां किया है ना ये बैकवर्ड क्लास वाला। 104वें संविधान संशोधन से सीट समाप्त। किसकी सीट खत्म कर दी? एंग्लो इंडियन। एससी एसटी की खत्म कर सकते हैं क्या हम? नहीं, अगले 10 साल के लिए कंफर्म हो गई, 2030 तक के लिए। अगला पॉइंट टिक करो, 332, राज्यों की विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण। 333 टिक करना, विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन अब है या खत्म कर दिए? लिख लो अब समाप्त। कौन से अमेंडमेंट से? 104वां। इसके बाद बिल्कुल नीचे पहुंचो, भाषा लिखा है बड़ा बड़ा, देखो भाषा लैंग्वेज लिखो, भाग 17। पहला पॉइंट टिक करो, आर्टिकल 343, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संघ की राजभाषा। क्या राजभाषा है हमारी? हिंदी, जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी। अगले पेज पे आ जाओ, आपातकाल, फटाफट से टिक करना, लिखो भाग 18, आपातकाल के पास भाग 18। तीन तुम्हें बहुत डिटेल से बताए थे, 352, 356, 360, कई दिन तक पढ़े थे हमने ये। पहला पॉइंट टिक करो, 352 आपात की घोषणा, फिर 356 टिक करो, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में, 360 टिक कर लो, वित्तीय आपातकाल। कितनी बार लगा वित्तीय? एक बार भी नहीं लगा। अगली हेडिंग टिक कर, कौन सा 18 लिख लिया तुमने आपात में? ठीक है, संविधान का संशोधन लिखो, भाग 20, दक्षिण अफ्रीका, बहुत आता है ये भी, भाग 20 में है संविधान का संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से लिया, एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट है, 368। इसके बाद नीचे आ जाओ, 370 अब है या खत्म कर दिया? खत्म कर दिया ना। कैसा राज्य था ये? विशेष, अब हटा दिया, कोई विशेष विशेष नहीं है। ये टिक कर लो, जम्मू कश्मीर अस्थाई था, लिखो अब समाप्त। कब समाप्त कर दिया? 31 अक्टूबर 2019 को, लिखो यहाँ 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त। अगस्त में साइन किए थे राष्ट्रपति ने, रामनाथ कोविंद जी ने, 25 अगस्त को, और 31 अक्टूबर को समाप्त। अगला बहुत काम का है, फटाफट से टिक करना, 371 पे आ जाओ, महाराष्ट्र और गुजरात। अभी HSSC ने पूछा था नागालैंड के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो 371 के देखना, ABC बड़े टफ है ये, टिक करो। 371 क इंग्लिश में कर लो बेशक, ए नागालैंड। 371B इंग्लिश की तरफ आ जाओ, असम, बस मेन मेन शब्द करते चलो, 371B असम, 371C मणिपुर, 371D आंध्र प्रदेश, 371E सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, 371F सिक्किम, 371G मिजोरम, 371H अरुणाचल प्रदेश, 371I गोवा। ये बहुत टफ है और ये याद नहीं होते हैं, इनको ढंग से 4-5 बार पढ़ना कम से कम, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे जो नहीं दिए तीन आर्टिकल, 395 जिसमें लिखा कि अब के बाद हम इस किताब को बंद कर देंगे, कब के बाद? जिस दिन भारत में ये किताब पूरी होके लागू हो जाएगी ना, उस दिन के बाद कौन सा अधिनियम समाप्त कर दिया जाएगा? 35 का, ये लिख दिया था लास्ट आर्टिकल में। कौन सा आर्टिकल था वो? 395। 393 में लिखा था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या होगा? भारत का संविधान, 393 में। 94 में लिखे थे वो 15 आर्टिकल जो हमने पहले लागू कर दिए थे 26 नवंबर 1949 को, और लास्ट आर्टिकल में लिखा जिस दिन भारत में ये किताब लिखकर पूरी हो जाए, लागू हो जाए, उस दिन के बाद इस किताब से देश चलेगा, न कि 35 के अधिनियम से। तो किस दिन आपने इस किताब को लागू कर दिया पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 को, और तब से फिर आज तक आपके देश में यही चल रही है। अब एक बार बोर्ड पे देखो ध्यान से, लास्ट है ये 371A, B, C, D, E, F, G, H और I, ये थे ना। देखो जरा ए में क्या था, मैं इसको यहां लिख देती हूँ, जी एच और आई। ए में क्या था? नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान। बी में क्या था? असम। सी में क्या था? हाँ सी में था मणिपुर। डी में क्या था? देश का पहला स्टेट आंध्र प्रदेश। ई में क्या था? आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली थी 1982 में। और एफ में क्या था? सिक्किम। और जी में क्या था? मिजोरम, मिजोरम। और एच में क्या था? हाँ अरुणाचल प्रदेश। आई में क्या था? गोवा। जब ये पेपर में आएंगे ना
तो वहाँ ये सब एक जैसे लगेंगे। अभी तो तुमने किताब में से देख के बता दिया, अब किताब में से देख के पेपर में नहीं कर पाओगे, और ये एक जैसे हैं, इसलिए इनका कोई ना कोई ट्रिक बनाना पड़ता है ताकि पेपर में याद आ जाए। HSSC ने हरियाणा पुलिस में 371A पूछ लिया था, नागालैंड पूछ लिया था, तो ये सारे याद करने पड़ेंगे। इनमें STs के लिए विशेष प्रावधान कर रखा है भारत के संविधान ने, तो 371A एक तो याद करना पड़ेगा, नागालैंड है। इसको देखो इसका ट्रिक क्या है ताकि तुम्हें आसानी से याद हो जाए। बी इसको ऐसे याद कर लो, बी का है आशावादी, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना, बी पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव रहना, आशावादी रहना। तो जैसे ही बी दिखे आशा, आशा से असम, आस असम। सी कोई किसी को एक बहुत बढ़िया मणि मिल गई, मणि खूबसूरत कोई बहुत पत्थर, तो वो कह रहा है मेरी मणि देखो, ये वो वाला सी मान लो, सी मणि को देखो, तो सी में क्या करना पड़ेगा, मणि। हमेशा कैसे रहो, बी आशावादी, तो असम। ए याद करना पड़ेगा, नागालैंड। इसके बाद ई को पहले देख लो, डी बाद में, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की लास्ट में भी आपको सुनाई दिया यूनिवर्सिटी, तो ई में किसकी बात है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश की 1982 की बात की है इसने, तो ये जो यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी ये आंध्र प्रदेश की है। डी और ई एक जैसे हैं, ई में यूनिवर्सिटी है और डी में उससे जहां वो बनाई गई उसके बारे में है, तो कौन से स्टेट में बनी थी, आंध्र प्रदेश। सी क्या देखो, मणि, बी रहो आशावादी, और ए में आएगा नागालैंड, ई में आएगा यूनिवर्सिटी, और डी में आएगा जहां वो बनी थी, कहाँ बनी थी, आंध्र प्रदेश। एफ, एफ को मैंने तो अपने आप याद किया था, फेंका, किसी ने फेंक दिया सिक्का, तो क्या फेंका हमने, सिक्का, एफ से याद आ जाएगा सिक्का, सिक्किम, एफ फेंका सिक्का। ई यूनिवर्सिटी, कहाँ बनी यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश में, तो डी में वही है। सी क्या देखो, मणि, बी आशावादी असम, और ए नागालैंड था ही। इसके बाद जी जोरम, जी जोरम, तो दोनों एक जैसे हैं, जी से ज दिख रहा है ना, जोरम। इसके बाद जी के बाद एच था, तुम सब जानते हो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है ना, और वहां से नदी आती है अपनी, कौन से वाली, ब्रह्मपुत्र, इसको जोड़ना पड़ता है तो पुल बनाना पड़ता है, ये देखो पुल जैसा लग रहा है, तो हमें इसको जोड़ना पड़ेगा तो पुल बनाना पड़ेगा, एच पुल जैसा है, तो कहां के लिए है ये, अरुणाचल, अरुणाचल से वो ब्रह्मपुत्र की एंट्री होती है, यहां कई बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, तो जैसे ही एच दिखे, एच में जोड़ दिख रहा है, पुल दिख रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश। और आई को याद कर लो, आई वॉन्ट टू गो, हमें कहां जाने का मन कर रहा है भैया, हम तो गोवा, हम जाना चाहते हैं गोवा, तो अपने आप से याद कर लो गोवा, ठीक है। जल्दी से बताओ ए किसका है, हमेशा बी आशावादी, सी क्या देखो मणि, डी और ई, ई यूनिवर्सिटी, डी आंध्र प्रदेश, क्या फेंका हमने, सिक्का, जी जो जोरम, जी ज, और ये एच पुल जैसा था अरुणाचल, और आए, बस ये इंपॉर्टेंट, और ये कहीं भी आ जाते हैं, एक दो बार घर जाके पढ़ लेना। चलो आज इतना ही, मंडे को ना एक चीज और सुनो, कल एच टेट का पेपर है, इसीलिए कल सेंटर बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कॉम्पिटेटिव पेपर होते हैं तो वहां पे मना होते हैं इंस्टीट्यूशंस खुलने। मंडे को आप लोग, अभी जो बात करें ना समझ में नहीं आएगा, मंडे को आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री की बुक लानी है। अब मंडे से मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगी कुछ दिन, ताकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी तुम पेपरों में आए तो दिक्कत में ना रहो, तुम वो भी कर पाओ। मंडे से एंशियंट हिस्ट्री,